वैसे तो नेपाल भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम करता था, लेकिन अब तो इन्होंने अपने ही प्रिय मित्र की पीठ पे छुरा घोंप दिया है। आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं नेपाल चाइना रिलेशनशिप की, और नेपाल के इस एक कदम से भारत और अमेरिका दोनों ही काफी ज्यादा खुश है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल प्रचंड जी 2 सप्ताह के लिए चीन और न्यूयॉर्क के दौरे पर निकले हुए हैं। लेकिन इसी बीच जब ये चीनी काउंटर पार्ट से मिले, उन्होंने BRI चाइना के काफी ज्यादा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का तो बिल्कुल जिक्र भी नहीं किया। नेपाल के इस कदम को भारत और अमेरिका के लिए अच्छी खबर मानी जा रही है। काठमांडू में जारी किए गए 40 सूत्र प्रेस नोट और पत्रकारों के साथ सवाल जवाब दोनों तरह से पूछे गए, फिर भी उन्होंने BRO के बारे में एक शब्द तक नहीं किया। फिर भी उन्होंने BRI शब्द का कोई भी जिक्र नहीं किया, और ये अपने आप में चीन को एक काफी बड़ा संदेश पहुंचाता है। जैसे ही ये खबर आग की तरफ फैली, तमाम सारे मीडिया हाउसेस ने इसको कवर अप करना शुरू कर दिया। दी हिंदू के आर्टिकल में भी आप देख सकते हैं, उन्होंने भी बताया है, नेपाल सेज नो टू चाइनास ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव बट टेक्स फॉरवर्ड बॉर्डर रेल प्लान एज प्रचंड विजिट्स बीजिंग। BRI से तो नेपाल ने अपना हाथ साफ कर लिया, लेकिन नेपाल में ही जो मेगा प्रोजेक्ट्स है, इस पर इन्होंने चाइना के साथ काफी ज्यादा सहमति बताई। इसमें से सबसे पहले आता है इनका फ्लैगशिप क्रॉस बॉर्डर रेलवे प्रोजेक्ट, जो कि काठमांडू में बनाया जाएगा। कई तरह के रेलवे, पोर्ट्स, एयरवेज, ग्रिड्स, ये सब भी ऑर्डरली मैनर में डेवलप किए जाएंगे नेपाल में। कई तरह के क्रॉस बॉर्डर हाईवेज भी अब चाइना नेपाल में घुसकर बनाने जा रहा है। इससे बेसिकली चाइना चाहता है कि नेपाल के जरिए एक तरह का उन्हें एक एक्स्ट्रा रास्ता मिल जाए भारत में घुसने का। भारत भी कम नहीं है, यहाँ पर हमारी BRO भी 3,000 किलोमीटर के रोड्स कंस्ट्रक्ट कर रही है चीनी बॉर्डर पर, जिससे चीन पर पैनी नजर रखी जा सकती है। इनफैक्ट हाल ही में इनविजिबल रोड्स भी कंस्ट्रक्ट करने शुरू हो चुके हैं। इस पर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, अगर आपने वो देखी नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। एनीवेज, नेपाल ने ये जो काम किया है चीन के BRI पर करारा तमाचा दिया है, इसकी छाप काफी लंबे समय तक रहेगी, और इससे अमेरिका और भारत दोनों के लिए काफी बड़ी कूटनीतिक जीत है। इस जीत के लिए आप डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में भी जय हिंद लिखना ना भूलिएगा।